इम्पैक्ट ऑफ इनपुट प्राइसिस ऑन आइसो कॉस्ट लाइन जब हम आइसो कॉस्ट लाइन की बात करते हैं तो आइसो कॉस्ट लाइन की शेप में एक रोल प्ले करता है प्राइसिस ऑफ इनपुट एक बात तो कन्फर्म है कि आइसो कॉस्ट लाइन इज नेगेटिवली स्लोप कर हाँ जी अब यह जो स्लोप है ये अब की होगी या फ्लैटर होगी क्या एक मेरे पास ओरिजिनल आइसो कॉस्ट लाइन है विद रेफरस टू ओरिजिनल आइसो कॉस्ट लाइन इट माइट बी पॉसिबल ट सिचुएशन आवर आईसो कॉस्ट लाइन बिकम स्टीपर और इट माइट बी पॉसिबल आवर आईसो कॉस्ट लाइन बिकम्स फ्लैटर हाँ जी ये स्टीपर क्यों होगा ऑफ फ्लैटर होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसिस ऑफ इनपुट अब चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या ज्यूम किया था कि फार्मर इज यूजिंग ओनली टू तो इम्पोर्ट लेबर एंड कैपिटल अगेंस्ट गिवन प्राइसिस ऑफ लेबर एंड कैपिटल देयर इज एंड आईसो कॉस्ट प्लाइंग अब अगर हम यहाँ पे बात करें इफ प्राइस ऑफ वन इनपुट चेंजेस वाइल द प्राइस ऑफ अदर इनपुट रिमेन कॉन्स्टेंट। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ लेबर चेंज कर गई वाइल प्राइस ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट। वेन प्राइस ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट तो आपका जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है उस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा चेंज कहां पर आएगा देर इज द चेंज इन दॉरिजेंटल इंटरसेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट प्लाइंग आइसो कॉस्ट लाइन बिकम स्टीपर अगर हम दूसरी सिचुएशन में ले जाए इस सारी बात को क्या जीफ प्राइस ऑफ कैपिटल चेंजेस वाइल प्राइस ऑफ लेबर रिमेन कांस्टेंट, अगेन क्या होगा आवर आइसो कॉस्ट लाइन विल बिकम स्टीपर आर फ्लैट डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन हाँ एक चीज कंफर्म है input, तो, तब क्या होगा देअ इज चेंज इन स्लोप ऑफ एसोकॉस्ट लाइन अब इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज मैं कहता हूं दिस आईसी नॉट इज आवर ओरिजिनल आसो कॉस्ट लाइन और अगर अब एज्यूम करें देयर इज टेन परसेंट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ लेबर बिकॉज ऑफ दैट टेन परसेंट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ लेबर आवर आइसोकॉस्ट लाइन विल पीवर्ट आउटवर्ट और जब ये पिवर्ट कर रहेगी वर्टिकल इंटरसेप्ट में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन इंटरसेप्ट क्या हो गया इट चेंजेस एंड आवर कॉस्ट लाइन मूव फ्रॉम आईसी नॉट टू आईसी पी एल डी अब अगर हम एक सेकेंड सिचुएशन जनरेट कर ले प्राइस ऑफ लेबर इंक्रीजेस प्राइस ऑफ लेबर बिकम्स डबल जब वो डबल होगी तो आईसी आपकी आईसो कॉस्ट लाइन क्या होगी इट विल पिवर्ट इनवर्ट जिसको हम यहां पे डिनोट कर रहे हैं विद आईसी हां जी विद रेफरेंस टू ओरिजिनल आइसो कॉस्ट लाइन अब ये जो आईसो कॉस्ट लाइन है ये क्या है दिस इज रेलिटिवली स्टीपर देन दरिजिनल आइसो कॉस्ट लाइन अब अगर इसी चीज को हम एलेबोरेट करें विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर इनपुट हम प्राइस चेंज कर रहे हैं कैपिटल की इफ प्राइस प्राइस ऑफ 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 कैपिटल कैपिटल बिकॉज दैट कीस्ट लाइन मूव फ्रॉम आई सी नॉ टू आई सी पी के डी अगर मैं दोनों कर्व को कंपेयर करूं तो इनमें से कौन सी कर्व आपके ख्याल में फ्लैटर है हाँ जी ओरिजिनल इज फ्लैटर एज कंपेयर टू आईसी पी के डी क्या पी के डी इज इजीपर एज कंपेयर टू आई सी नॉर्ट हाँ जी सेकेंड सिचुएशन में चले जाते हैं क्या जी प्राइस ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज प्राइस ऑफ कैपिटल डबल हो जाए किस पे इंपैक्ट करेगा ऑन परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू परचेज दैट पर्टिकुलर इनपुट आईसी कर्व क्या हुई आईसी कर्व मूव्स फ्रॉम आई नॉट टू आईसी पी के आई और अब ये कर्व क्या हो गई दिस कर्व इज फ्लैटर एज कंपेयर टू ओरिजिनल आईसो कॉस्ट लाइन अगर अब हम बात करें कि जी प्राइसेस ऑफ ऑल इम्पोर्ट दैट आर बीइंग यूज बाय अ पर्टिकुलर फार्मर डिक्रीजेस और वो डिक्रीज भी कैसा है हमारी है देयर इज प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ऑल इम्पोर्ट जब वो प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन प्राइसिस ऑफ ऑल इनपुट्स होगा तो क्या होगा कि आपकी आइसो कॉस्ट लाइन आइसो कॉस्ट लाइन ऑफ द दर क्या होगी इट विल शिफ्ट अपवर्ड और इट विल शिफ्ट इन साइड लेकिन अगर हम इसी को कुछ अदर वे की बात करें कि प्राइसिस ऑफ ऑल इनपुट्स इंक्रीजेस इफ प्राइसिस ऑफ ऑल इनपुट्स इनक्रीजेस देन आइसो कॉस्ट लाइन ऑफ द फार्मर विल शिफ्ट डाउनवर्ड लेकिन ये जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइसिस हुआ है तो इसकी वजह से स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन चेंज नहीं होगी अब इसी चीज को हम अगर ग्राफिकली शो करें तो यह कुछ इस पैटर्न पे आपकी आइसोकॉस्ट लाइन मूव करेगी कि फार्मर की आइसोकॉस्ट लाइन ये क्या है दिस इज द ओरिजिनल आइसोकॉस्ट लाइन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट अ फार्मर कैन परचेज बाई यूजिंग एलोकेटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सिस हमारी क्या है कि देयर इज डिक्रीज इन प्राइसिस ऑफ

देयर इज चेंज इन स्लोप ऑफ आईसो कॉस्ट लाइन वेन प्राइस ऑफ वन इनपुट चेंजेस वाइल प्राइस ऑफ अदर इनपुट रिमेन कॉन्स्टेंट लेकिन अगर प्राइसिस सब इनपुट की इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए देन आईसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू एन अदर पोजिशन बट देअर इज नो चेंज इन द स्लोप ऑफ आईसो कॉस्ट लाइन लेकिन अपने माइंड में अभी यह बात भी रखे है कि जब भी हम यहां पर आईसो कॉस्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारी एजशन क्या है देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट नो चेंज इन द अमाउंट एलोकेटेड फॉर द परचेज ऑफ दीज टू इंपोर्ट क्या अमाउंट एलोकेटेड फॉर द परचेज ऑफ इनपोर्ट्स रिमेन कॉन्स्टेंट